नमस्ते दोस्तों, आने वाले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। तो अभी मैं एक रंगोली बनाने जा रही हूँ, बहुत छोटी सी रंगोली है और एक कल्पना सेट बना रही हूँ और साइड में एक लेडीज़ खड़ी है दिया लेकर। तो सबसे पहले मैं पेंसिल से ही डिज़ाइन ड्रॉ कर ली हूँ और ब्लैक रंगोली पाउडर से मैं अब आउटलाइन कर रही हूँ। अगर कोई और कलर का अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप वाइट यूज़ कर सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड वाइट है तो मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले आउटलाइन में कर लेती हूँ। अब ये सर्किल बन गया है। अब इसमें मैं कलर फिल करूँगी। डीप स्काई ब्लू से मैं डीप ब्लू से मैं सबसे पहले कलर फिल कर रही हूँ। आप फिलर ले सकते हैं, चाहे तो चाचन्नी का यूज़ कर सकते हैं। बीच में मैं स्काई ब्लू यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद स्काई ब्लू और डीप ब्लू को मैं मिक्स करके अब यूज़ करूँगी कलर सेट के लिए। थोड़ा आसमान का लुक मैं देने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कलर स्काई ब्लू को थोड़ा ऊपर तक हाथ से सेट किया है। अब चूड़ी की सहायता से मैं फ्लावर बनाऊँगी। छोटा सा चूड़ी लिया है मैंने और उसमें 5-5 डॉट। आप चाहे तो किसी चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं डॉट लेने के लिए, मैंने हाथ से ही कर लिया है। हल्का हल्का डॉट को मैं दबा के फूल का शेप दूंगी। बीच में येलो चैचन्नी की सहायता से मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और बीच में रेड। अब फूलों की पत्तियाँ बना लेती हूँ। टूथपिक्स के सहायता से मैंने पत्तियाँ बनाई हैं। इसी तरह मैं चारों तरफ ये फूल बना लूँगी बैंगल की सहायता से। बीच में मैं फ्लावर ऑरेंज डॉट दिया है और छोटा सा फ्लावर, थोड़ा जगह खाली लग रहा था भरने के लिए। अब मैं लेडीज़ की तरफ आती हूँ और इसे कंप्लीट करती हूँ। बाल को मैंने ब्लैक से फिल किया है और गजरा बनाने के लिए वाइट डॉट चारों तरफ मैंने यूज़ किया है। बाल के लिए मैंने बीच में डीप मैरून से बाल के शाइनिंग दिखाने के लिए, उसके बाद टूथपिक की सहायता से मैंने गजरा को सेप दिया है। अब बॉडी कलर बॉडी फिल करेंगे। बॉडी कलर ऐसे आते भी हैं, चाहे तो आप घर बना भी सकते हैं। उसके लिए आप वाइट पिंक येलो ऑरेंज ये सब मिक्स करके बॉडी कलर बना सकते हैं। बॉर्डर के लिए रेड और ब्लू साड़ी में बना रही हूँ। बॉर्डर ब्लू की होंगी और रेड साड़ी। ब्लाउज भी मैंने ब्लू दिया है। शाइनिंग देने के लिए मैंने पिंक कलर का यूज़ किया। आप चाहे तो रेड में वाइट मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक और जिधर जिधर मैंने वो पिंक डाला है उस पर मैंने ब्लैक से भी उसे डीप, वैसे साड़ी का उभार पता चलेगा। सभी जगह मैंने आउटलाइन ब्लैक से किया, आप चाहे तो वाइट से भी कर सकते हैं।
रंगोलियाँ थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें कलर फिल करने में थोड़ा आसान होता है। छोटी सी रंगोलियाँ रहती है तो थोड़ा सा कलर फिल करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो हाथ का यूज़ करना पड़ जाता है। दिया का लो बनाने के लिए मैंने साइड में ऑरेंज, बीच में येलो यूज़ किया है, और एकदम बीच डीप दिखाने के लिए वहाँ पर मैंने ब्लू, डीप ब्लू यूज़ किया है उसका लो दिखाने के लिए। बाकी सभी को मैंने जो भी बनाया है उसको आउटलाइन कर दूंगी ब्लैक से। चूड़ी, हाथ में चूड़ी पहनी हुई है तो उसके लिए मैंने पहले सबसे ब्लैक और हल्का रेड, उसमें मैंने रेड में वाइट मिक्स कर लिया, और वो उसके बाद डीप रेड, और उसमें साइड में मैंने वाइट दिया जिससे वो शाइनिंग उसका दिखता है, चूड़ी में शाइनिंग आ जाती है। थोड़ा सा दिया को मैं डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी सी रंगोली है तो थोड़ा सा डेकोरेट करने में भी दिक्कत है, बड़ी रंगोलियाँ होती हैं तो काफ़ी कलरफुल करना आसान होता है। अब साइड में मैं डीप और उसे डीप करके स्किन को थोड़ा सा नेचुरल दिखाने के लिए साइड में डीप यूज़ किया। लॉक को भी मैंने, हाँ बीच में मैंने थोड़ा सा और स्किन कलर को लाइट कर दिया है, थोड़ा वाइट उसमें ज़्यादा मिक्स करके लाइट कर दिया है। हाथ में नेल पॉलिश लगाई है और मेहंदी का डिज़ाइन दिखाने के लिए, वैसे अच्छा लगता है। स्केल की सहायता से मैंने सबसे पहले एक लाइन ले लिया, अब उसमें मैं दीपावली लिख रही हूँ। थोड़ा पहले दिवाली लिख के थोड़ा इधर से स्टाइल में, फिर ऊपर में हैप्पी छोटा सा लिखना चाह रही हूँ, उसके बाद हो जाएगा हैप्पी दिवाली। आप नॉर्मल भी अपने मनचाहे लेटर से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा आकाश का थोड़ा सा लुक दिया है, तो उसमें दिवाली के जो लाइट जो जलाते हैं सब, मैंने उसको बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहले मैंने ब्लैक से इसको बिना कोई शेड का यूज किया है। ये ऊपर में मैंने येलो में मैंने ब्लैक मिक्स करा है और उसको यूज किया है। उसके बाद नीचे का मैंने छोड़ दिया है, येलो फिल कर दिया है। बीच के जो गैप है उसमें भी मैं वही येलो जिसमें मैंने ब्लैक मिक्स किया है वो यूज किया है, फिर बीच में डॉट दिया येलो का। अब वाइट रोशनी दिखाने के लिए, इसे लगेगा कि हाँ वो जल रही है। फिर से एक बार ब्लैक से आउटलाइन कर लेंगे। अब ये मेरा कंप्लीट हुआ, छोटी सी रंगोली है। अब चाहे तो आप लोग दीपावली पे इसे ट्राई कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है रंगोली आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लग रही हो तो दिल का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको क्या चाहिए नया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लेकर आऊँगी। तब के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी दीपावली पे ढेर सारी। आप सबकी दीपावली बहुत शुभ हो, बस यही कहना चाहती हूँ।